तरफ। हम चलते हैं टीम की स्लाइड की तरफ, ठीक है। उसके बाद कल हमारी लास्ट स्लाइड होगी और उसके बाद हमारी जो है वो प्रेजेंटेशन हम स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले देखिए हमने क्या करना है, यहाँ से शेप्स में जाकर, ये एक शेप है, पर मैंने क्लिक किया और इस तरीके से मैंने इसको ड्रा किया, ठीक है। ड्रा करने के बाद मैं इसकी पोजीशन सेट करूंगा। पोजीशन सेट करने के बाद मैं इसकी लाइन को हटा दूंगा, ठीक है। यहां से मैं एक और शेप ले लूँगा, राउंडेड रेक्टेंगल की शेप ले लूँगा और इसको मैं यहाँ तक ले आऊँगा, ड्रा कर दूँगा इसको, ठीक है। ड्रा करने के बाद इसको मैं दोबारा यही जो है वो इसके ऊपर ड्रा कर दूंगा, देखें। लेकिन वो मैं ड्रा करूंगा छोटी सी, और यहाँ से इसको मैं यूँ जो है वो सेट कर दूँगा यहाँ पर, ठीक है। इसको मैं मज़ीद छोटा कर देता हूँ, कंट्रोल डी एक मैं रखूँगा यहाँ पर। यहाँ पर रखने का ये होगा कि मैं इसकी जो है वो साइज़ को सेट कर दूँगा। इस तरीके से, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, कंट्रोल डी। इसको मैंने यहाँ पे रखा, फिर कंट्रोल डी, फिर कंट्रोल डी, ठीक है। अब इन सबको मैं सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद अरेंज, और अरेंज में मैं आ जाऊँगा अलाइन, डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली, अरेंज, अलाइन, डिस्ट्रीब्यूट। क्यों डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है इस तरीके से? चलें जाने दें इसको, हम अपने तरीके से करेंगे। अब करना क्या है देखें, इसको आप डिलीट कर दें, इनको आप सिलेक्ट कर लें सबको, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद हम इनको कर देंगे फ्रैगमेंट। क्या कर देंगे? फ्रैगमेंट शेप, ठीक है। अब हम इनको डिलीट कर देंगे। पहले हम सिलेक्ट करेंगे, फ्रैगमेंट, ठीक है। अब हम इनके जो हमारी चीज़ें हैं वो हम डिलीट करते जाएंगे अनग्रुप करके। एब्स्ट्रैक्ट कर लिया हमने, ठीक है, सब्स्ट्रैक्ट कर लिया इसको। अब ये हमारे पास बन गई शेप्स, ठीक है। अब इस शेप के ऊपर हमने क्या करना है,
क्या करना है, इसके ऊपर पिक्चर्स लानी है। सबसे पहले इसको अनग्रुप कर देंगे हम, क्योंकि ये ग्रुप हुआ पड़ा है। तो क्या करेंगे हम, फ्रेगमेंट करेंगे। फ्रेगमेंट करने से क्या होगा कि ये अलग अलग शेप बन जाएगी। अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो एक ही शेप रहेगी, इसलिए आप उसको फिर चेंज नहीं कर सकते। जो बाकी हमारे पास फालतू की चीज़ें हैं ये हम डिलीट कर देंगे। ठीक है जी, ये इस तरीके से हमने इसको डिलीट कर दिया। यहाँ पर मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद फॉर्मेट शेप फिल, फिल में जाऊँगा टेक्सचर एंड पहले से मेरी पिक्चर एक सिलेक्टेड है, चलो इसी को रख लेते हैं। दूसरी में जाते हैं पिक्चर टेक्स, इसकी हम पिक्चर चेंज कर देते हैं। यहाँ से पिक्चर्स कोई भी हम दे देते हैं इसको, ये पिक्चर दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी हम इस तरीके से पिक्चर चेंज कर देंगे। कलीग साहब की पिक्चर दे देते हैं, यहाँ पर भी हम पिक्चर चेंज कर देंगे। और चलें शाहनवाज साहब की दे देते हैं। ठीक है जी, ये चार पिक्चर्स जो है वो आपके पास आ गई। अब हमने करना क्या है, अब हमने इसके नीचे जो है वो डेटा हमने देना है टेक्स्ट बॉक्स लेके सिंपल। नेम आ जाएगा, ठीक है, और उसके बाद डेजिग्नेशन, और उसके बाद राइट सम डिटेल अबाउट। बल्कि एक काम कर लेते हैं, नेम एक दूसरा जो है वो ले लेते हैं टेक्स्ट बॉक्स, उसमें हम रखते हैं डेजिग्नेशन। और एक दूसरा टेक्स्ट बॉक्स हम ले लेते हैं, अलग अलग लेने का ये फ़ायदा है कि आप एनिमेशन इसको फिर सही तरीके से दे सकेंगे। राइट सम डिटेल अबाउट द पर्सन। ठीक है जी, इसको हम छोटा कर देते हैं। थोड़ा सा मैं स्लाइड का साइज बढ़ा रहा हूँ ताकि आपको सही से नज़र आए। इसका कलर मैं चेंज करूँगा, साइज बढ़ा दूँगा। ये आ गया नेम, यहाँ बीच में मैंने रखा, ठीक है। डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन का कलर मैं चेंज कर दूंगा, बोल्ड कर दूंगा। और यहाँ से जो डिटेल है, इस डिटेल को मैं यहाँ से सेंटर कर दूंगा, साइज़ बढ़ा दूंगा और बोल्ड कर दूंगा। ठीक है,
सेम यही चीज़ मैं अगले इस पे भी रख देता हूँ। ठीक है जी, नेम, डेजिग्नेशन एंड सम डिटेल। इसी तरीके से मैं इनको जो है वो डुप्लीकेट बना देता हूँ। और डुप्लीकेट बना, ठीक है जी।